हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ में कि आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट 1.40 लाख भर्तियों के लिए रेलवे ने घोषित की परीक्षा की तारीख और देखे एग्ज़ाम शेड्यूल। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 जो कि न्यूज़ है, रेलवे भर्ती बोर्ड ने देख सकते हैं करीब 1.5 साल बाद आखिरकार 1 लाख से ज़्यादा पदों पर एनटीपीसी भर्तियों की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। ये भर्तियां कुल आप देख सकते हो 1,40,640 पदों पर 3 अलग अलग श्रेणियों में होने जा रही है। और दोस्तों, इसके लिए मार्च 2019 में ही आवेदन लिए गए थे और 1.40 लाख पदों के लिए देश भर में करीब 2.40 करोड़ अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अप्रैल 2019 से ही करोड़ों उम्मीदवारों को इस भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा का इंतजार था। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ जो है वो अब रेलवे ने घोषणा की है कि आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जिसको बोलते हैं आरआरबी एनटीपीसी स्टेज वन की परीक्षा। दोस्तों, आप यहाँ डिटेल में देख सकते हो 15 दिसंबर 2020 से शुरू होगी यह परीक्षा, कंप्यूटर मोड से ली जाएगी और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है कि 15 दिसंबर 2020 को आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी वन का एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है और जो कि ट्वीट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली है। ट्वीट में लिखा है कि रेलवे विभिन्न पदों पर 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण कर चुकी है। विभिन्न पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा और आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत लेवल 1 आइसोलेटेड और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में, जो कि मैंने आपको बताया कि मोड जो है आपका वो ऑनलाइन है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया, यह परीक्षा कंप्यूटर मोड पर ली जाएगी। तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।